हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सिपाहियों, अपनी जगह संभाल लो। खुश आमदीद सुल्तान। शुक्रिया उस्मान साहब। खुश आमदीद मेरे सुल्तान। शुक्रिया शेख मोहतरम। उस्मान साहब ने अपने सिपाहियों को आपकी तालीम से आराज तक किया। अस्तगफिरुल्लाह मेरे सुल्तान। अगरचे अब मेरे हाथ हथियारों के इस्तेमाल में बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन मेरे हाथ हमारी फतह के लिए दुआ में शामिल रहेंगे। आप जैसे नेक लोगों की दुआएं हमारा सबसे मजबूत हथियार है। बहुत शुक्रिया सुल्तान। आपकी सूरत हाल के बारे में सुना मैंने। अल्लाह के हुक्म से हम फातेह बनकर लौटे। इंशाल्लाह सुल्तान, अल्लाह के सिवा कोई गालिब नहीं। तशरीफ लाइए। अरे, क्या भेजे गए दस्ते को गोला बारूद मिला? जी हाँ जनाब, हम आपके हुक्म के मुताबिक दूसरे रास्ते से आए थे। हमारे काम की चीज गांव वाले खुद लेकर आ रहे हैं। उन पे एतमाद ना करें, खैमे से दूर रखें उन्हें। जनाब, सुल्तान अपने सिपाहियों के साथ पहुंच गए। आओ सुल्तान मसूद आओ। बाजंतीनियों को पड़ाओ। इस पहाड़ी के पीछे होगा और बाजंतीनी लश्कर मैदान तक पहुंचने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करेगा। और जंग का ये मैदान आयन इस जगह पर सजेगा। मुझे जो परेशानी है वो ये है, बाजंतीनी शहंशाह की तरफ से भेजा गया गोला बारूद। शहंशाह ने दुकास के साथ अपने सिपाहियों की मदद के लिए काफी सामान भेजा होगा। बाजंतीनियों की तरफ जाने वाला गोला बारूद हमने जब्त कर लिया है। आप फिक्र मत करें उसकी। कैसे? उनके मरकजी मकामात की निगरानी करके हमने ये मामला संभाल लिया, वो भी बहुत ही एहसन तरीके से। अल्लाह आपसे राजी हो उस्मान साहब, आपने हमें बड़ी परेशानी से बचा लिया। शुक्रिया सुल्तान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं जानता हूं कि निकोला होशियार है, उसने गोला बारूद एक दस्ते के साथ रवाना नहीं किया होगा। मेरे सुल्तान, हमने उन्हें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। चलें तो फिर मुझे वो सब मालूमात बताएं जो आपके पास दुश्मन के बारे में है। बाजंतीनी लश्कर दो दस्तों पर मुश्तमिल है, एक दुकास का लश्कर जो मकदूनिया से आया और दूसरी तरफ निकोला के सिपाही और तकफूरों के सिपाही। मलहून खातून तुम्हें अपना हरीफ समझ रही हैं बाला। एक दिन खुद गलत साबित होंगी वो। मेरे उस्मान साहब की औलाद के लिए मुझे अपनी कोई परवाह नहीं, लेकिन वो नहीं जानती। तुम्हारा दिल बहुत रहम दिल है बाला। अच्छा बताओ, जोया का क्या करेंगे हम? अगर हमारा शक सही है तो इससे उस्मान साहब को तकलीफ होगी। हम इसकी इजाजत नहीं देंगे गुंजा, उस पर नजर रखनी है। तुम बिल्कुल परेशान ना हो बाला, पहले हमारे सरदार वापस आ जाए, फिर हम अपने सारे शकों को शुभात उन्हें बताएंगे। वो इस बारे में जरूर कुछ करेंगे। दुकास अपने खास सिपाहियों के साथ मुस्तकर से मैदान जंग में आएगा। वो लश्कर के नज़्मो ज़ब्त को तोड़े बगैर हमारा मुहासरा करना चाहेगा। जिन कमांदारों ने उसे हमारे खिलाफ लड़ते हुए देखा है, वो सब के सब हमारे साथ हैं उस्मान साहब। दुकास हर मैदान जंग में धाती कोच पहनने को तरजीह देता है। सल्जूकी लश्कर कई बार ये सब कुछ देख चुका है। दूसरे तैकफरों की तरफ से आने वाले सिपाहियों की तादाद क्या है निकोला? तकरीबन 350, और वो सब के सब तरबियत याफ्ता है। हम सही इक़दामात करके ही मैदान जंग की तरफ बढ़ेंगे। हम तुर्कों को कभी भी अपना नज़्म व ज़ब्त नहीं तोड़ने देंगे। दुकास की सबसे बड़ी ताकत नेजा और उसके साथ तलवार चलाने वाले बेहतरीन सिपाही हैं। ये दस्ता उस लश्कर का दिल है और हम सबसे पहले उसी पर हमलावर होंगे। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं उस्मान साहब, लिहाजा मैं खुद अपने सबसे मजबूत दस्ते के साथ उनका सामना करूंगा। मैं बाएं बाजू की तरफ से अमीर अरसलान और उसके सिपाही होंगे, और दाएं तरफ से आप अपने सिपाहियों और सरदारान के साथ लड़ेंगे। ये लड़ाई कल सूरज तुलू होने के साथ शुरू होगी। उन्होंने इतने बड़े लश्कर को इससे पहले कभी नहीं देखा होगा कमांडर दुकास। उस्मान को सुल्तान के सिपाहियों पर भरोसा है और सुल्तान तुर्क सरदारान पर एतमाद करता है, लेकिन वो एक मजबूत लश्कर के साथ आएंगे और उस्मान मुकम्मल तैयारी के साथ आएगा। हम तीनों जावियों से घेर कर हमला करेंगे। मकदूनिया से आने वाले सिपाही दरमियान में, मैं बाएं तरफ अपने सिपाहियों के साथ हूँ और अग्नोज दाएं तरफ से तकफीरों की तरफ से आने वाले सिपाहियों की क़यादत करेगा, और अपने सिपाहियों के साथ निकोला माउन कुव्वत होंगे। आप जैसे अजीम कमांडर के साथ जंग लड़ना मेरे लिए बहुत ही एजाज की बात है। क्या हुआ निकोला, क्या कुछ कहना चाहते हो मुझसे? हम तादाद में ज्यादा हैं, हमारे पास आला साजो सामान भी है, लेकिन अगर हम तुर्क तीरंदाजों को आड़े हाथों नहीं लेते तो हम लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। मेरे पास उसके लिए भी मंसूबा है। किसी को कुछ पूछना है? हमारा जिहाद मुबारक हो मेरे सुल्तान। अल्लाह हमारा साथी और मुहाफिज बने। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। उस्मान साहब, मुझे एक अहम बात करनी है। मैं देख रहा हूं इन सरजमीनों में सरदारान के साथ आपका रिश्ता मजबूत है। आपने अपनी जहानत और काबिलियत से इन्हें एक मुट्ठी की तरह रखा है। सुल्तान, आपकी रियासत फितनों के साथ मंगोलों के दबाव में रही है। मेरे सरदारान जानते हैं कि अगर हमने इत्तेहाद खो दिया तो हम सिर्फ शिकस्त नहीं खाएंगे बल्कि टूटी हुई तस्बीह की तरह बिखर जाएंगे। इंशाल्लाह इसके बरक्स होगा उस्मान साहब। हमारे सिपाही इसी इंतजार में हैं, जैसे हम ईद की सुबह का इंतजार करते हैं। दुश्मन को मात होगी इंशाल्लाह सुल्तान, इंशाल्लाह। अंदर आ सकता हूं उस्मान साहब? आ जाइए भाईजान, आ जाइए। आइए तशरीफ रखिए। उस्मान साहब, आपके हुक्म के मुताबिक तमाम सिपाहियों की जांच की है। इंशाल्लाह वो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार भी हैं और बेचैन भी। शुक्रिया भाईजान, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने आपको औलाद की खुशी दी, उसका बहुत शुक्र है। दुआ है वो सेहतमंद पैदा हो। आमीन भाईजान, आमीन। हमारे अलावा और भी बहुत सारे लोग इतना ही खुश हैं जितना हम लोग खुश हैं। ऐसा ही है कबाइल में, देहातों में, हर जगह मुस्लिम और गैर मुस्लिम सभी खुश हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि वो सब लोग आने वाले दिनों में आपको अपने मुहाफिज की हैसियत से देखते हैं। आपको भी और आपकी पैदा होने वाली औलाद को भी देखते हैं। हर वो काम जो अल्लाह की राह में किया जाए उसी में हमारी नस्लों का फायदा है भाईजान। मेरा रब उनकी राहें और मुस्तकबिल महफूज बनाए। आमीन मेरे भाई, इंशाल्लाह। कुंदूज भाई, मुझे इजाजत दीजिए, एक अहम काम करना है मुझे। कैसी बात करते हो मेरे भाई, जाओ इस काम को अंजाम दो। शुक्रिया। चले भाई। जोया के बारे में मोहतात रहना चाहिए। मुझे अभी याद आया कि कल मैं तुम्हें तलाश कर रही थी, तुम्हारे जिम्मे कुछ काम थे। मुझे बताया, मैं अभी कर दूंगी मलहून खातून। काम तो खत्म हो गया, लेकिन तुम उस दिन कहाँ गई थी? मैं कपड़ा फरोश के पास जा रही थी, लेकिन मैं इबादतगाह चली गई। जो सोना आपने मुझे दिया था वो मैंने राहिब को दे दिया। वो किस लिए? तुमसे पूछा है जोया? हम ऐसे बच्चे के लिए जमा करते हैं जो पैदा होगा, ये हमारी रिवायत है। हम इबादतगाह में मोमबत्ती जलाकर बच्चे की सेहत और लंबी उम्र के लिए दुआ करते हैं। बच्चे के लिए? उस्मान साहब और आपके बच्चे के लिए भी दुआ की। सबकी नजरें आप पर हैं, इसलिए आपके और आपके बच्चे के लिए दुआ की मैंने, वो बोझ ना हो आप पर। आखिर मेरा बच्चा मुझ पर बोझ क्यों होगा? उसे बुरी नजर लग सकती है। आप पर भी लोगों की बुरी नजरें हैं। खुदावन आपको बुरी नजरों से बचाए। उस्मान साहब पर भी बुरी नजर का असर हो सकता है, खास तौर पर। और इबादतगाह में मैंने दुआ की कि उस्मान साहब जंग से सही सलामत लौटे। क्या तुमने पहले भी उस्मान साहब की वापसी की दुआ की थी? अब तक किसी ने मेरा इतना ख्याल नहीं रखा। बहादुर सिपाहियों के लिए भी दुआ की मैंने, और आपके लिए भी जिन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा। अल्लाह आपको अपने बच्चे और कबीले के लिए सही सलामत आपको वापस ले आए उस्मान साहब। आप गए नहीं उस्मान साहब? जंग पे जाने से पहले मिलना चाहता था। अच्छा किया आपने, मुझे बहुत खुशी हुई। क्या हमारा बच्चा ठीक है? अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ उस्मान साहब। ठीक ही होना चाहिए और ऐसे ही हमारा बच्चा भी ठीक होगा। भूख लगी होगी, खाने के लिए कुछ लाती हूँ आपके लिए। मलहून खातून, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे अभी वापस जाना है। क्या आप रात के इस पहर सफर करेंगे? पूरा चांद है, घोड़ा राह पाएगा, फिक्र मत करो। आप बेहतर जानते हैं, मैं भी आपके साथ इस जंग में शामिल होना चाहती थी उस्मान साहब। हमारे रब ने जो तुम्हारे नसीब में लिख दिया है वो भी तो एक जंग है तुम्हारे लिए। यकीनन ये एक जंग है। मलहून खातून, अपना खास ख्याल रखना, अपने आप को और बच्चे को महफूज रखना हर खतरे से। आप बिल्कुल फिक्र ना करें उस्मान साहब, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। सबसे पहले अल्लाह ताला और फिर मैं उसकी हिफाजत करूंगी। जिहाद मुबारक हो आपको। उस्मान साहब को देखा मैंने, वो खेमे की तरफ गए हैं। वो क्या कर रहे हैं जो हर तुर्क जंग से पहले करता है दुकास? अपने खुदा से मदद मांग रहे हैं। उनके पास पनाह लेने के लिए सिर्फ एक ही जगह है और वो जगह जमीन के नीचे है जहां वो सड़ेंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह समी अल्लाह लिमन हमिदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम फतह फूलों पर नहीं कांटों के रास्तों पर चलकर हासिल होती है। हम अपने सरों पर कफन बांधकर यहाँ पहुंचे हैं और वक्त आ गया है कि तुर्कों को उन्हीं के खून में डुबो दिया जाए। हम तब तक लड़ेंगे जब तक उनका हर एक सिपाही ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि आज यहाँ से कोई जिंदा नहीं बचने वाला। मेरे अल्लाह, इस्लाम का परचम बुलंद करना और हमारी मदद करना। आमीन। वो जो तेरे लिए खुद को कुर्बान करते हैं और वफादारी के साथ अपना खून बहाने में कभी नहीं हिचकिचाते, दूसरे जंगजुओं के शाना बशाना लड़ते हैं, या अल्लाह उनकी सरजमीन की हिफाजत करना जिनके वो हकदार हैं, उन्हें फतह नसीब कर। आमीन। दीन के बहादुर बेटों, आज वक्त सोचने का नहीं बल्कि जान देने का है। मौत हमारे लिए बाइस शर्फ है, लेकिन लड़े बगैर हार जाना रुस्वाई है। फता हमारी होगी, फता हमारी होगी, फता हमारी होगी, फता हमारी होगी, फता हमारी होगी। मेरे अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम सब तेरी ही बारगाह में सर्बसजूद होते हैं और तेरी ही राह में जिहाद करते हैं। इस जंग को हमारे लिए मुबारक करना। आमीन। मैंने तैकपुर लियो का इस्तेमाल किया। मैं ही था वो जिसने तुम्हें पूरी तरह फंसाया उस्मान। और देखना, इस जंग के बाद मैं लियो का भी सर उतारूंगा। अभी जंग रोकने का ऐलान करो। चढ़ना होगा, हम ये काम कल खत्म कर देंगे। सुनो सिपाही लोग, हम पीछे हट रहे हैं। पीछे हटो। पीछे हट रहे हैं हम। इसी वक्त पीछे हटना होगा सिपाहियों। सब पीछे हट जाओ, अपने कैमे की तरफ जाओ। पीछे हटो। पीछे हटो। हमारे लश्कर को इस तरह पीछे नहीं हटना चाहिए था निकोला। अगर हम जारी रखना चाहते हैं तो हमें अलग होना पड़ेगा, क्योंकि एक अलहदा लश्कर सिर्फ और सिर्फ उस्मान के लिए चीजों को आसान बनाएंगे। समझ रहे हो तुम में से किसी के पास ऐसे सिपाही हैं जो उनकी तरह तलवार चलाना जानते हो? तुम में से कोई नहीं? क्या तुम मुझे समझाने की जरूरत करोगे? इत्तेहाद किसी हाल में नहीं टूटेगा, और अगर ये टूट गया तो हम उस्मान के हाथों में होंगे, समझे? सुल्तान के सिपाहियों ने मामलात को मुश्किल बना दिया। कमांडर दुकास ने कह दिया ये कल खत्म हो जाएगा। अगर ये कल खत्म ना हुआ तो फिर शिकस्त हमारी होगी। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? बहुत हो गया। आपस में लड़ने झगड़ने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। इस सबसे सुल्तान का कोई ताल्लुक नहीं। उस्मान, उस्मान, क्या तुम लोग अब तक समझ नहीं पाए? हमें दाएं जानिब से हमला करके उसे खत्म कर देना चाहिए। तुम अभी तक उस्मान की बात कर रहे हो? दुकास, तुम्ही ने कहा था ना कि उस्मान और उसके सिपाही सुल्तान के लश्कर से कहीं बेहतर लड़ रहे हैं। कहा था, लेकिन हमारे पास इत्तेहादी सिपाही हैं। सुल्तान के सिपाही अब थक चुके हैं। उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए एक तवील सफर तय किया है। उनकी थकन कल तक नहीं उतरेगी। आप लोग मायूस मत हो, ये जंग कल खत्म हो जाएगी। मेरी बात समझ में आई? मेरे सिपाही लड़ते लड़ते थक गए थे, इसीलिए ऐसा किया। दुकास के लश्कर को जब हम मुंतशिर कर देंगे तो फिर उसे खत्म करना आसान होगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर कल ऐसा ही करेंगे। सुल्तान, आज आपने अपनी बहादुरी और अज़्म से उन्हें रोका है। इस्लाम के ये दुश्मन कल नहीं होंगे, मुझे कोई शक नहीं उस्मान साहब। मेरे सुल्तान, आपके लिए पैगाम आया है। एक बुरी खबर है, वो कारामान कूनिया की तरफ जा रहे हैं। अगर मैंने कूनिया वापस जाकर उन्हें ना रोका तो कूनिया तबाह हो जाएगा, और अगर मैं लौट गया तो आप कमजोर हो जाएंगे बाजंतीनियों के खिलाफ। लेकिन अगर आप इस तरह लौट जाएंगे तो जंग का अंजाम बदल जाएगा मेरे सुल्तान। आप क्या सोच रहे हैं उस्मान साहब? सुल्तान, अगर तो ऐसी सूरत हाल है तो कोनिया चले जाना चाहिए आपको वापस। दुकास और निकोला से कैसे निपटेंगे आप उस्मान साहब? मेरे सरदारान और मेरे गाजी दुकास के हानि लश्कर को शिकस्त देने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप कोनिया वापस नहीं जाते तो आपकी रियासत पर एक बहुत बड़ी आफत आ सकती है। वापस आऊंगा, मेरी ताकत और इख्तियारात के कायम मकाम उस्मान साहब होंगे। और आपके होते हुए मुझे रियासत की कोई फिक्र नहीं उस्मान साहब। मेरी तलवार और इस रियासत का वकार अब से आपके हाथ में है उस्मान साहब। शुक्रिया। मेरे सिपाहियों, आज मैं यहां पर सरदार बनकर नहीं आया, आज अल्लाह की राह में लड़ने आया हूं। आज मैं आपके साथ ही तलवार थामे खड़ा होगा। यह एक बहुत अजीम जंग होगी। अगर आप शहादत नहीं चाहते और अपने अहले खाना के साथ रहना चाहते हैं तो वापस जा सकते हैं आप लोग। और अगर जंग चाहते हैं तो ये रहा मैदान और ये रहा दुश्मन। आपको मालूम होना चाहिए, मैं जब तक फतह या शहादत तक नहीं पहुंचता जंग के मैदान को छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगा। फतह या फिर शहादत, 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 फतह या फिर शहादत। बताया फिर शहादत, 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 बताया फिर शहादत। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। बेवकूफ अपने खुदा का नाम पुकारते हुए मरेंगे। सुल्तान कोनिया चला गया है, लेकिन उस्मान ने हिम्मत नहीं हारी। वो कभी हार नहीं मानेगा, कभी भी नहीं। तो फिर एक खूनी फतह हमारी मुंतजर है निकोला। अब हम देखते हैं कि इस तरह कहाँ जा रही हो जोया। यकीनन मुझे पता चल जाएगा। चलो चले। अपने सिपाहियों के साथ वापस चले गए। अब उनके बाद हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं रहती। हम अपने सिपाहियों से पूरे बाजंतीनी लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते। थोड़ा इंतजार करो, उस्मान साहब आ रहे हैं, वो जरूर हमें कुछ बताएंगे। सब्र। निकोला और दुकास जान चुके होंगे कि सुल्तान मसूद लश्कर को अपने साथ लेकर कोनिया की तरफ रवाना हो चुके हैं, लेकिन तश्कील के बगैर हम उनसे लड़ेंगे। मैं अपने सिपाहियों के साथ उन काफिरों पर हमलावर हो जाऊंगा। कुंदूज भाईजान और उमर साहब हरगिज मैदान जंग में सिपाहियों के साथ नहीं आएंगे, बल्कि जंगी हालात देख के असर नौ तश्कील देंगे। क्या आप इस बड़ी फौज पर दर्जन भर सिपाहियों के साथ हमला करेंगे उस्मान साहब? कोई शक नहीं होना चाहिए ईमान पे। जंग के शुरू होते ही मैं पीछे हटूंगा सिपाहियों को लेकर, और बाजंतीनियों की आंखों में धूल झोंकी जाएगी। काफिरों के आहनी हथियार अलग अलग होकर बिखर जाएंगे। सिपाहियों पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हट जाओ। मुकाबला करते रहो सिपाहियों, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम इन काफिरों को इसको ना पीछे करेंगे, इनका नाम निशान मिटा देंगे। पीछे आखिरकार उस्मान, आखिरकार मैं तुम्हें दुम दबाकर भागते हुए देख रहा हूं और तुम्हें सूत में लटका कर ही दम लूंगा। सब्र करो जरा, सब्र सब्र। इन्हें फरार मत होने देना। हमला! सिपाहियों आगे बढ़ो। मरोगे उस्मान, मरोगे। दोस्त भाई अचानक अब घुड़सवारों के साथ दाखिल हो जाएंगे। और ऊपर साहब अपने सिपाहियों के साथ दाईं तरफ से दाखिल हो जाएंगे, लेकिन तन्हा बिल्कुल नहीं होंगे। सिपाहियों और अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। वो वापस कैसे आ गए? अल्लाह और अल्लाह अकबर, हक है अल्लाह। ये अचानक इतने सिपाही कहां से आ गए? सुल्तान तो कोनिया को लौट गए, लेकिन अपने कुछ सिपाही मेरे मातहत छोड़ गए। हम बाजंतीनियों को वो मजा चखाएंगे कि उनकी नस्लें भी याद रखेंगी। मैं निकोला की जिंदगी भी जहन्नम बना दूंगा। तो ये एक चाल था, चाल था ये। निकोला तुम मरोगे काफिर। निकोला की हिफाजत करो, निकोला की हिफाजत करो, घेरा तंग करो। शिकारी फंदे में फंस चुके हैं मेरे हुजूर। सिपाहियों, अब करेंगे हमला। वो पहले भी यहाँ आ चुकी है, मैंने उसे खुद देखा था। आखिर क्या काम हो सकता है उसे यहाँ? अच्छा तो यहाँ आती है, चलो चल के देखते हैं। अभी रुको हुंचा। काम हो गया जोया, जैसे निकोला चाहता है उस तरह काम करने के लिए मैंने जहर का जायका शरबत में तब्दील कर दिया है। ये जहर उसके पेट में जाते ही उसका होने वाला बच्चा उसी वक्त मर जाएगा। और अब आगे क्या करना है वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। शीशी खोलो और उसके खाने में मिला दो, और किसी को भी इस खतरनाक जहर का पता नहीं चल पाएगा। तुम्हें बहुत ही एहतियात से काम करना है, वरना निकोला का खेल बर्बाद हो जाएगा। वो बच्चा इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। इस जहर से वो फौरन ही तो नहीं मरेंगी ना? पहले उसका बच्चा मरेगा। उस्मान, जिस बच्चे की खुशी में इतना पागल हो रहा है, बच्चे की मौत का सुन के उसे तकलीफ होगी। ऐसा ही होगा, उन्हें तड़पता हुआ देखूंगी मैं। और आखिर में अपने बच्चे की तरह मलहून खातून भी तड़प तड़प के इस दुनिया से चली जाएगी। और फिर उस्मान अपने बच्चे और बीवी के गम में खत्म हो जाएगा। अब क्या करना चाहिए हमें बाला? क्या हुआ? तुमने कहा था कि तुम यहाँ खून बहाने आए हो। ऐसा करने से पहले मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ठीक कहा ना मैंने भाई? ऐसा ही है, हम इन्हें जाने नहीं देंगे। तुम सबका गोश्त मैं अपने कुत्तों को खिलाऊंगा। अच्छा ऐसा है, चलो किस्मत आजमाओ फिर। तुम्हारी बारी भी जल्द आएगी। सब्र करो दौरान, कुछ नहीं होगा तुम्हें, सब्र करो मेरे को। शहादत का मजा नाकाबिले यकीन है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये शहादत हासिल करने आया था और हासिल कर ली। शहीद हो गया है। शुक्र है मेरे उस रब का। अच्छा हुआ कि तुम मरने के लिए मेरे पास खुद चले आए। तुम और तुम्हारे बाबा का मकसद कभी कामयाब नहीं होगा। तो आ जाओ ना, आगे आ जाओ, दिखाता हूं कि तुर्कों को उनके मकसद से कोई नहीं रोक सकता। जब तक एक तुर्क भी बाकी है, तुर्कों का मकसद खत्म नहीं हो सकता। आपका खाना लगा दिया है। रुक जाओ, बैठो मेरे साथ, चलो थोड़ा सा खा लो, मैं अकेले नहीं खा रही। तुमने सारा दिन काम किया है, पेट भरकर खाना और जाकर आराम करना। चलो शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हुआ, तुम भी खाओ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मलहून खातून? आ सकती हो बाला खातून। आफियत हो। बाला खातून, ये क्या हो रहा है? ये खाना जो तुम मलहून खातून के लिए लेकर आई हो, तुम्हें खाना है जोया। इसका क्या मतलब बाला खातून? मैंने कहा खाओ इसे। क्या हो रहा है ये सब बाला खातून? तुम्हें जहर देना चाहती है ये औरत। इस खाने में जहर है। ये झूठ है। अगर तुम्हारी बात सच है तो ये खाना खाकर दिखाओ मुझे, वरना मैं जानती हूँ तुम्हें कैसे खिलाना है। ये जहर जो मेरे उस्मान के बच्चे को मारने के लिए था, सोत में एक बूढ़ी तबीबा से लिया था इसने। और तुम्हारे खाने में डाल दिया। कौन हो तुम लोग? छोड़ दो मुझे, मैंने क्या किया है, मुझे क्यों मार रही हो? तुम और जोया मिलकर क्या कर रही हो आखिर? बताओ वरना मैं लिहाज नहीं करूंगी, तुम्हें मार दूंगी। नहीं, खुदा के लिए नहीं, छोड़ दो मुझे। सुना नहीं? जहर तैयार करने वाली औरत को हमने पकड़ लिया। तुम्हारा क्या मकसद था? किसने करवाया ऐसा? आखिर इस सब के पीछे कौन है? निकोला। एक गरीब लड़की जासूस निकली। मुझे मायूस किया तुमने बहुत जोया। गुंचा, इसे ले जाके उसी औरत के साथ रखना। बैठ जाओ यहाँ। चली गई है, पुरसुकून हो जाओ अब। उस्मान साहब वापस आकर सजा देंगे उसे। उसकी बातों में आ गई। मुझे लगा कि तुम मुझसे हसद करती हो। बहुत बड़ी गलती की मैंने। अगर तुम ना होती तो मैं अपने बच्चे को खो देती। मलहून खातून, ये बच्चा जितना तुम्हारा उतना मेरा भी है, ये कभी नहीं भूलना। मैं हसद नहीं करती, इस बच्चे के लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। हम सिर्फ उस्मान साहब की बीवियां ही नहीं हैं, उनकी जंगजू भी जो मरने के लिए तैयार है। मुबारक रियासत की माएँ हैं जो कायम होने वाली है। मेरे ये अल्फाज तुम कभी नहीं भूलना। सब कहाँ है? दुकास, अतनुस, वो सब के सब मारे गए निकोला। दुकास, उसको उसके गुरूर नहीं, उसे खाक में मिला डाला। जब देखो फता 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 कर रहा था, फता के बजाय उसने हमें शिकस्त दिलाई है। हेलेन, उस्मान ने शहंशाह को एक जबरदस्त जरब लगाई है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसे वो नहीं जानते। शहंशाह और उसका मगरूर बेटा मेरे पाबंद होंगे, मेरे पाबंद। एक नए दौर का आगाज होगा। अब से मैं पहले से ज्यादा मजबूत होऊंगा, ज्यादा मजबूत। तुम महफूज रास्ते से कल सुबह कले पहुंचो, पैदल चलकर। मुझे जल्दी पहुंचना होगा। निकोला। हाँ। निकोला। आपने मुझे मायूस नहीं किया। जिस तरह मैंने मेहनत से आपके लिए तलवारें तैयार की, ऐ दोनों जहानों के मालिक, मैं आपसे इन नफा बख्श चीजों की दुआ करता हूँ जो हमारे सरकारे दो आलम ने हमारे लिए मांगी। ऐ माशाल्लाह। आज हम अपने मुस्तकबिल के लिए लड़े। शुक्र है अल्लाह का कि हम फख्र से वापस आए और अर्तुरुल गाजी के असीम वतन को फतह किया। उस्मान साहब जिंदाबाद, उस्मान साहब जिंदाबाद। ये फतह खास तौर पे तो मिल्लत की फतह है। सबसे पहले उन माओं की फतह है जिनके बेटे इस जंग में शरीक हुए। ये फतह उन बहनों की है जो अपने शोहरों और भाइयों को जंग के लिए भेज दी है। ये हम सब की फतह है। ये फतह इस्लाम के परचम तले बनने वाली ऐसी पहली रियासत होगी जो अबद मुद्दत तक कायम रहेगी। इंशाअल्लाह हुजूर, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हुजूर, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बरकरार हुजूर, आप बरकरार हो। लेकिन ये बात मत भूलिएगा कि फतह की हुई सरजमीन की हिफाजत करना किसी नई सरजमीन को फतह करने से ज्यादा मुश्किल होता है। इसीलिए हम इसे कारखानों के साथ, मसाजिद के साथ जिसमें हम इबादत करते हैं, और उस मुस्तकबिल के साथ जिसके लिए हम कोशिश करेंगे, इस सरजमीन को जिसे हमने अपना खून दिया, एक अजीम रियासत बनाएंगे। और उस रियासत में अदालतें इंसाफ भी देंगी। बगावत करने वाले का अदालत के अंदर सर भी उतारा जाएगा। इस्लाम, अल्लाह का कलाम, हमारी रियासत, हमारी मिल्लत और हमारा इंसाफ दायमी होंगे। अल्लाह राजी हो, अल्लाह राजी हो। आपने सिर्फ मैदान जंग ही फतह नहीं किया, बल्कि आपने इंसाफ से हमारे दिलों को फतह किया। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे मेरे बेटे से मिला दिया। और इस फतह के साथ आपने रोशन किया हमारी तारीख तकदीर को। उस्मान साहब शुक्रिया, दाऊद उस्ताद शुक्रिया। अहमद सिपाही, या अल्लाह तेरा शुक्र है। जीते रहो बेटा, जीते रहो। इधर आओ मेरे बेटे, इधर आओ। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र। अल्लाह का शुक्र है कि आप सही सलामत वापस आए। अल्लाह का शुक्र है खातून कि हम सही सलामत यहाँ हैं। आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र न करो खातून। शुक्र है आप सही सलामत वापस आ गए बाबा। मैं तुम्हारे बच्चे से मिलने का ख्वाहिशमंद हूँ बेटी, मैं कैसे वापस नहीं आता। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मेरे बेटे तुम आ गए। बाबा जान तुम वापस आ गए, अल्लाह का माशाल्लाह। मेरे बेटे आप हमेशा फतहयाब रहे उस्मान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया मलहून खातून। शुक्रिया बाला। अल्लाह का शुक्र है कि हम इस फतह को देखने के लिए जिंदा रहे। आपकी फतह और आपके बच्चे की खबर ने कबीले में अमन कायम किया। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे उस्मान। ये दोहरी फतह है, इस तरह दोनों को साथ देखना ये दोनों की ही फतह है। मेरे रब का लाख लाख शुक्र है। उस्मान साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो हमें आपसे बात करनी है। क्यों नहीं, जरूर अंदर चलिए। बुरान हुंजा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है कि आप फतहयाब लौटे। जहाद मुबारक हो। आमीन। तुम किस बारे में सोच रहे हो चरकुताए? मैं सोच रहा था कि माले गनीमत क्या वो मेरे जहेज के लिए काफी होगा। अपने आप को देखो, बहुत दिल वाले हो। वो खुशकिस्मत खातून कौन है, मुझे बताओ, जानना चाहती हूँ। वो नहीं जानती कि वो कितनी खूबसूरत है और कितनी बहादुर खातून है। वो मेरे दिल की सुल्तान है। आला जगह दो। जोया नजर नहीं आ रही, वो कहां पर है क्या आप जानती हैं? बताएं ना। बाला खातून ने हमारे बच्चे की जान बचाई उस्मान साहब। फख्र है तुम पे, तुमने इन दोनों की जान की हिफाजत की। अल्लाह राजी हो तुमसे बाला खातून। जोया और वो बूढ़ी औरत का क्या करना है? जो बच्चे के कातिल की सजा है वही उनको दी जाएगी। गुप्तुक मेरे सरदार की खातून और उनके होने वाले बच्चे को कत्ल करने का सोचा भी कैसे तुमने? मेरे साथ क्या होगा? होगा ये कि तुम अपने ही जहर से मरोगी। नहीं, नहीं। सिपाहियों को परेशान मत करना। खाओ और मर जाओ। गोख्तोक, मुझसे गलती हो गई, मुझे बचा लो। गोख्तुक रुको, गोख्तुक मुझे यहाँ छोड़ के मत जा। गोख्तुक मेरी बात सुनो। गोख्तुक माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम उस्मान बेटा, आओ बैठो। बहुत शुक्रिया, बैठ जाओ। तुम्हारी आंखें एक मलाकूत की रोशनी से मुनव्वर हैं उस्मान बेटा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अपने बच्चे की पैदाइश का तुम्हें इंतजार है। वो रियासत जिसका तुमने बेसब्री से इंतजार किया, उसका वक्त करीब है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अगर मैदान जंग में तन्हा भी रह गया तो भी अर्तुरुल गाजी का जानशीन उस्मान आखिरी सांस तक भी अल्लाह के कलाम के मुताबिक जिहाद से पीछे नहीं हटेगा। तुम्हारा सब्र, तुम्हारा ईमान और ख्वाहिश ने तुम्हें अक्लमंद बना दिया है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। बाजंतीनियों को शिकस्त दी, उस फतह की हवा जो तुमने हासिल की वो बढ़ती जाएगी, सारे आलम में फैलेगी, मशरिक से मगरिब तक। अब ये रुकने वाली हवा नहीं है उस्मान बेटा। ए शुक्रिया शुक्रिया। ये हवा सिर्फ तुर्कों को ही तुम्हारी सरजमीन पर नहीं लाएगी बल्कि तमाम गांव, कबाइल, शहर खुशहाल होंगे सबके सब। शहरों को फतह करना और फिर उन्हें खुशहाल बनाना इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे खानदान का मकसद होगा। तुमने वो जंग बखूबी जीती, बाजंतीनी और काफिरों को मौत की नींद सुला दिया। अब वो अपने खलों से बाहर नहीं आ सकेंगे जहां वो पनागुजी हैं। ये बात जानता हूं मैं। तुम्हें ललकारने की हिम्मत उनमें नहीं है। तुमने 72 कबाइल को खुशामदीद कहा और उनके लिए दिल के दरवाजे खोल दिए। इसका मतलब है रियासत की बुनियाद रखना। बेटा तुम्हारे इस मुकद्दस मकसद में रब ताला तुम्हारी मदद करे। आमीन आमीन इंशाल्लाह। ये तो भी शुरुआत है। इंशाल्लाह इस्लाम के नूर से रोशन करेंगे रास्ता अपना और मंजिल तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। भूलना नहीं तुम्हारा मकसद इस ख्वाब में पोशीदा है जो तुमने देखा था उस्मान बेटा। बिल्कुल इसी तरह यूसुफ नामी शायर ने एक दिन कहा था, तुम वहां पहुंचोगे जहां तुम्हारा दिल चाहेगा। इस मुकद्दस राह में तुम अपनी तवज्जो रिवायात, सच्चाई और इंसाफ पर मरकूज रख सकोगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तुम्हारी सरदारी का चोगा और कुशादा हो सके उस्मान बेटा। वो रियासत जो तुमने ख्वाब में देखी वो हकीकत बन जाए, ये मेरी दुआ है। आमीन। वो चांद जो तुमने ख्वाब में देखा जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था, दुनिया पर हुक्मरानी करने वाली नस्ल की रोशनी बन जाए। आलाजा मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बाला खातून को बुलाओ, उस्मान साहब सोत में है, उन्हें खबर। ठीक है आप यहाँ बैठे, मैं बुलाती हूँ। जल्दी बुला कर लाओ आलाजा। जी जी। या मेरे अल्लाह उस्मान को वारिस दे दे, एक नेक औलाद मिले। ये अल्लाह का मौजज़ा है बाला खातून। बाला खातून, मलहून खातून की तबीयत खराब हो गई, जल्दी चलो। हाँ, हाँ, बाला। हाँ तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं। आ जाओ जल्दी चलते हैं वहाँ, चलो। उस्मान साहब, उस्मान साहब। खैरियत है? मलहून खातून, वक्त आ गया है। क्या कह रही हो ये? मुझे सब खैरियत है भाईजान? बहुत जल्द आप खुशखबरी सुनेंगे, बहुत जल्द मेरे भाई। हाय माशाल्लाह, अल्लाह हमें भी बच्चे अदा करेगा खातून, ना सिर्फ एक बल्कि 3 या 5। दुआ करते हैं कि अच्छे बच्चे अता करे चरखुदाई। इंशाल्लाह मेरी आंखों की रोशनी, इंशाल्लाह। ऐ मेरे अल्लाह, दुआ है कि हमें नरीना औलाद अता फरमा और बाला को भी औलाद अता फरमा। आपका बेटा तंदुरुस्त पैदा हुआ है और उसकी मां भी बिल्कुल ठीक है। बाला, अल्लाह ने आपको वारिस अता किया उस्मान साहब। तुमने सिर्फ मुझे औलाद नहीं, पूरा जहान दिया है। इसे लीजिए, इसे गोद में लीजिए और अपने बाबा बनने के इस आरज़ू को पूरी कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तेरा शुक्र है। ओ तेरा शुक्र है। बेटी, तुमने बहुत दुआएं की और सब्र किया। मेरी बच्ची, अब इस इम्तिहान में भी सब्र से काम लो। बेशक मेरा रब तुम्हें देखता है और तुम्हारी दुआओं को भी सुनता है। बिलाशुबा अल्लाह हमारी दुआएं सुनता है। मैं इसका नाम ओरहान रखना चाहता हूं। उस्मान साहब, ओरहान का मतलब क्या होता है? शहरों को फतह करने वाला, शहरों को आबाद करने वाला और एक इंसाफ पसंद हुक्मरान। आपने इसे नाम दिया, अल्लाह इसे लंबी जिंदगी दे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अपने नाम की तरह काबिल बने, खुशगवार जिंदगी नसीब हो इंशाल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हारा नाम ओरहान है, तुम्हारा नाम ओरहान है, तुम्हारा नाम ओरहान है। ऐ फर्जंद, तुम्हारा नाम बाबा अर्तुरुल गाजी के जानशीन उस्मान साहब ने रखा है। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, जन्नत के फरिश्ते और लोग ये जानते हैं कि तुम्हारा नाम ओरहान है। माशाल्लाह ओरहान बेटा, खैर तो है, काफी थकी हुई लग रही हो। किस्सा इब्राहिम से तसल्ली दी थी बाबा ने मुझे। मैं उम्मीद से हूं उस्मान। बाला क्या कह रही हो ये? हमारा अपना बच्चा होगा। क्या वाकई सच कह रही हो तुम बाला? हाँ, माँ बनूंगी। ए माशाल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह, माशाल्लाह। बाला बाला बाला, बाला मैंने क्या कहा था तुमसे? मेरा रब दुआ कबूल करेगा एक दिन। बिल्कुल ऐसे ही कहा था। ये सब एक इम्तिहान था मेरे उस्मान, सब्र से आजमाया गया और दुआएं कबूल हुई हमारी। ऐसा ही है, वो वक्त आएगा कि हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ जंगों में शरीक होंगे और ये बच्चे अर्तुरुल गाजी का झंडा उठा के जुल्म करने वालों पर बिजली की तरह बरस जाएंगे। इंशाल्लाह मेरे उस्मान, इंशाल्लाह। आज बहुत खुशी मिली है हमें। आपका बेटा ओरहान आपके साथ अकेला नहीं होगा। बाला, रियासत के वजूद का वक्तान पहुंचा है और अब हमारी रियासत के सामने ये पूरी दुनिया घुटने टेकेगी इंशाल्लाह। ये वो वक्त है कि हमारी जड़ें चिनार के दरख्त की तरह मजबूत होंगी। अब ये रियासत के वजूद का वक्त है।